फैशन के दौर में घरों में काफी कुछ बदलता जा रहा है। साज सजावट से लेकर घर को काफी मॉडर्न बनाया जा रहा है। लोग अपने घरों में बहुत सुंदर सुंदर शोपीस रखते हैं, जिससे घर की सुंदरता बढ़ती है। इन्हीं शोपीसों में सबसे खास हो जाता है एक्वेरियम। जी हाँ, देखने में यह काफी सुंदर होता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ बातें भी खास होती हैं। इसके घर में नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आपको बता दें, बच्चों को इसे देखकर काफी अच्छा लगता है और बच्चे इससे सुकून महसूस करते हैं। यह केवल मन को प्रसन्नता ही नहीं, बल्कि फेंग शुई के अनुसार इनसे घर के सदस्यों के ऊपर आने वाली समस्त विपत्तियां टलती हैं। चलिए इससे जुड़ी और खास बात आपको बताते हैं। एक्वेरियम में हमेशा मछलियों की संख्या का विशेष महत्व होता है। इसमें कम से कम 9 मछलियां होनी चाहिए, साथ ही 8 रंग की मछलियों का रंग लाल और बल्कि एक रंग की मछली सुनहरी होनी चाहिए। इसमें एक काले रंग की मछली भी काफी शुभ मानी जाती है। कभी भी कोई भी मछली इसमें मर जाती है तो उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। इसमें सबसे खास बात यह है कि मछली उसी रंग की लाकर डालें जिस भी रंग की मछली मरी हो। आपको बता दें, एक्वेरियम को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा अथवा उत्तर पूर्व में रखें तो बेहतर रहेगा। इसको कभी भी जहां आप सोते हैं उस कमरे में ना रखें, रसोई से भी इसको दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।